हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या दे रखा है कि दो लाइनें हैं, कौन सी? पी और क्यू, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एल और एम, ये भी दोनों के पैरेलल है। अब आपको ये बताना है कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेगा ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल सी डी ए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट है। कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है? इक्वल और ऊपर सिमिलर का साइन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्या दे रखा है? चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वीडियो में हमने क्या करा था? 1 से लेके 3 तक करवा चुके थे। यहां देखिए, दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि यहां पर पी क्यू लाइन है, कौन सी बात करी? पी और क्यू, ये दो लाइनें पैरेलल है। यहां पर एक ट्रांसवर्स लाइन है ऐसी, ऐसी लाइनें कैसे ड्रॉ कर दी तो क्या हो गई? ट्रांसवर्स लाइन हो गई। यदि ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई तो देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होंगे। रीजन क्या है? आपके दिमाग में क्या चलेगा कि ये दोनों चीजें इक्वल क्यों हुई? ऐसी क्वेश्चन में दे रखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? दिमाग वहां चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कैसी डिजाइन बनना? जेड बनना। जेड बनेगा तो ये एंगल ऐसे एंगल के बराबर। यहां जेड बन गया क्या? देखो बन रहा है, ये बन गया जेड, लेकिन सीधा नहीं बता कैसा बन गया, 90 डिग्री पे बन गया, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इसके बराबर हो गया, दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई? मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गई। अब हम चलेंगे उल्टा, कहाँ पर? ये बात इसकी करने के बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यदि हम इसका उल्टा देखें, उल्टे में क्या करें, ए लाइन एम लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? लेकिन यहाँ पर भी ऐसी क्या कर रही, इसको ट्रांसफॉर्मर का काम कर रही है सेल्स। तो यहां देखिए, यहां भी जेड बनेगा, बन गया जेड। तो देखिए कहां पर, यदि इसकी हम बात करें, ऐसे एल एम पैरेलल है किसके? एसी के। तो देखिए बी सी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? दिख गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बन गया जेड। जेड बना लेकिन कैसा बना? उल्टा बन गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने देखा कि ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो अब यदि मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं और ये वाला ले लेता हूं, तो पहली चीज, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बाय वन निकाला हमने। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बाई टू निकाला हमने। लेकिन यहां पर देखिए, ऐसी क्या काम कर रही है? किसका काम कर रही है? दीवार का काम कर रही है, वॉल का काम कर रही है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? दोनों में कॉमन हो जाएगी। यदि कॉमन, ये दोनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टी सोल्व होना जरूरी है। तो यहां क्या हुआ, क्या क्या चीजें हो गई? एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्यों? इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बाद में।